अरे क्या भैया, कब आएगा आपका आदमी? अरे यार, जब मजनू चाचा आएंगे ना और अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, अरे तुम्हारी नींद तो दोनों की उड़ जाएगी। अबे नींद उड़ाने तो यहाँ पर आए हैं। कौन है बे? तुम तो बोल रहे थे मजनू चाचा रे, ये तो सालो औरत है। औरत है तो क्या हुआ, कहानी नहीं सुना सकते? अगर कहानियाँ सुननी है ना तो मेरे साथ अपना हाथ खड़ा करो। मजनू चाचा की कहानी सुनाने वाले हैं हम। कहानी में थोड़ा गाली गलौज, ठरकपन सब होगा। अगर हमारे बारे में कोई ख्याल आए ना तो 100 बार सोचना, भूल जाओगे सारी। तो क्या है ना, पाओगे लत लगेगी ऐसी साली। पिस्तल हम साथ रखते हैं। एक बाला था, चाय बनाता था। क्या हाल है बाला भाई? अरे बढ़िया है जी। जाया नाम की लड़की से शादी, सर से लेके पैर तक बला की खूबसूरत थी। सिर्फ शरीर ही तुम्हारा पहलवान के जैसा है, तुम्हारे बंदूक में तो कोई गोली नहीं है। अरे तुम लोग बातें बंद करो। अरे वो कविता जी दारू पी के लुढ़क जाएंगे तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। किस्सा तो पूरा सुन लो। कविता जी, एक शहरी बाबू था, शाम को काम से अपने घर आया। आके देखता है कि घराली नहा रही है। कविता जी, आप तो बोल रहे थे कहानी का नाम लॉटरी है, पर इसमें तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा। लॉटरी तो लगी, लेकिन साले प्लम्बर की। एक मिनट, अभी बीच में प्लम्बर का हाथ घुसाया। वो क्या था ना, मैं शावर में नहा रही थी और उसी टाइम मेरे पति आए, लेकिन जैसे वो आए शावर बंद हो गया। साला मैडम तो एक नंबर लग रही है और पैसा भी ठीक ठाक दे देगी। क्या बे, ऐसे क्या देख रहे हो? चीयर को गांड मारो। मुझे कुछ चाहिए था। क्यों, आपके पास अपना औजार नहीं है? औजार तो है, लेकिन वो थोड़ा मोटा है, छेद ज्यादा खुल जाएगा। अरे कविता जी, कल बता सकते हैं आप कौन सी कहानी सुनाओगे? कल जिंदा रहोगे पता है? नहीं ना, कल यही मिलना, कल बताएंगे कौन सी कहानी सुनाएंगे। मजनू चाचा की ठर की कहानियाँ। वो नीचे गिरे, हम छोड़ आते हैं। अरे याद है ना शुरू में क्या बोला था, अब तो दारू भी पी रखी है उसने, गोली मार के ना कांड खोल देगी। मजनू चाचा की ठर की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।